त्योहार खुशियों का अच्छी बातों का समय है। ऐसे में मृत्यु की बात से डर लगता है, पर जैसे मैंने कहा दिवाली का समय इतना शुभ होता है कि आप हर दुख का निवारण पा सकते हो। इसलिए आज मैं आपको अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बता रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले किसी के यहाँ मैंने सुना कि रात को अच्छे से सब ठीक था, अच्छे से बातचीत करके सोए और सुबह उठे ही नहीं। ये अकाल मृत्यु योग से होता है और ऐसे में परिवार को बहुत धक्का लगता है और परिवार बिखर जाता है। आजकल सड़क पे भी कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और यंग लोगों की डेथ की बात से दिल घबरा जाता है। बीमारियां इस कदर बढ़ गई हैं कि हमेशा एक डर मन में बैठा रहता है कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। इसलिए आज मैं आपको ये वीडियो में बता रही हूँ कि कैसे आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोर्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। यम का दीपदान धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक किया जाता है। ये उपाय स्वयं यम देवता ने बताया है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन से भाई दूज तक अगर आप यम दीपदान करते हो तो आपके परिवार में अगर अकाल मृत्यु का योग है तो वो टल जाएगा। भगवान यम उस पर अपनी कृपा करेंगे। यम का दीपदान कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ। पहले कुछ जरूरी बातें नोट कर लें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यम का दीपक आप अपने घर के मेन दरवाजे पे विधि अनुसार जलाएंगे तो फिर आपको मुड़कर उसको नहीं देखना है। दीपक आपको तभी जलाना है जब आपके घर के सारे सदस्य सारे लोग जो हैं वो घर के अंदर हो, और दीपक जलाने के बाद कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाए। दीपक आप घर से बाहर जलाकर नहीं लेके जाएंगे, विधि अनुसार जैसे मैं बताऊं वैसे ही आपको जलाना है। दीपक धनतेरस की रात से भाई दूज की रात तक रोज विधि के अनुसार जलाएं। ये जरूरी बातों का ध्यान रखते हुए अब लिख लें कि कैसे जलाना है। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि जो शुरू हो रही है वो 22 अक्टूबर से शाम 6:02 पे शुरू हो रही है, तो आप यम दीपदान जो है 22 तारीख की रात से करेंगे। आप एक सरसों के तेल का मिट्टी का दिया ले अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के बाहर राइट साइड में एक चावल की ढेरी बनाएंगे, यानी करीब आपको एक मुट्ठी चावल वहां रखने हैं, उस पर दिया आपको ये रखना है। ध्यान रखें कि दिया चावल पर हो, जमीन पर नहीं। दीपक का जो मुख होगा वो साउथ दिशा की ओर होगा। इस दीपक पे आप रोली का तिलक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे और एक पताशा रखेंगे। हाथ जोड़कर भगवान यम को आग्रह करेंगे कि आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो, और फिर आप ये दीपक जलाएंगे। दीपक जलाकर आप घर के अंदर आ जाएंगे, द्वार बंद कर लेंगे और मुड़कर वापस दिए को नहीं देखेंगे, और सुबह तक घर से बाहर कोई भी आपका घर का सदस्य नहीं जाएगा। अगले दिन आप ये दिए और चावल जो है ये किसी पेड़ के नीचे घर से बाहर रख देंगे। यम का दीपदान करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूनिक फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goyal. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, vastu and feng shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.